और वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का तूफानी चुनावी दौरा लगातार जारी। आज सीएम अशोक गहलोत 6 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। सबसे पहले पोखरण और जोधपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम अशोक गहलोत। जी आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री की 6 जनसभा होनी है और इसके बाद शेरगढ़ के सेखाला में जनसभा होगी और दोपहर 3 बजे लूणी के लूनवास भाखर में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। जोधपुर में जहां 3 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा होनी है तो वहीं शाम 6 बजे दशहरा मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार वैभव गहलोत के समर्थन में यहां सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोकसभा चुनाव 2019 के दंगल में कूद चुके हैं और इसी के तहत 6 चुनावी जनसभाओं को आज संबोधित करेंगे। जोधपुर में जहां अपने पुत्र और साथी कांग्रेस के उम्मीदवार वैभव गहलोत के समर्थन में वोट की अपील करते नजर आएंगे। जोधपुर में 3 विधानसभा क्षेत्रों के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के उम्मीदवार वैभव गहलोत के समर्थन में आज सभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चुनावी दौरा लगातार जारी है और आज सीएम 6 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। सबसे पहले सीएम अशोक गहलोत का कार्यक्रम है पोखरण में, क्योंकि पोखरण में अभी तक कार्यक्रम शुरू भी होने वाला होगा। 11 बजे का समय था पोखरण में जनसभा की शुरुआत का। तो सबसे पहले सीएम अशोक गहलोत पोखरण पहुंचने वाले हैं और यहां जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसी खबर पर आपको बता दें, हमें अपडेट देने के लिए किशोर सोलंकी फोन लाइन पर मौजूद है। किशोर, आज सीएम अशोक गहलोत की 6 चुनावी सभाएं होनी है और सबसे पहले पोखरण में जनसभा होगी। क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या तैयारियां हैं और क्या पोखरण की तस्वीर है? कितनी संख्या में वहां कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता पहुंच रही है? ज्योति, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत आज पोखरण 11:30 बजे यहाँ पोखरण पहुंचेंगे। उसी के साथ लाखों हजारों की संख्या में यहाँ लोग मौजूद हो गए। वहीं कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखा जा रहा है। जी किशोर, जिस तरह से आज पोखरण में चुनावी जनसभा होनी है, क्या हेलीपैड की भी व्यवस्था की गई मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर के पहुंचने के लिए, और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के क्या हालात है? ज्योति, मैं आपको बताने चाहता हूँ, हेलीकॉप्टर हमारे बीएसएफ में वहाँ से वहाँ लैंड करेंगे, वहाँ से यहाँ सभा स्थल पर पहुंचेंगे। उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था चारों तरफ पुलिस मौजूद है। किशोर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ पोखरण में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए कांग्रेस की ओर कौन कौन से दिग्गज नेता पहुंचने की संभावना है? यहाँ पर जैसलमेर जिले के मंत्री जी है साले मोहम्मद जी, वो यहाँ मौजूद है। उनके साथ विधायक मौजूद है। जी किशोर, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार हमें अपडेट करते रहे। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 11:30 बजे पोखरण में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है।